ये है यहाँ का हीटर, गीजर, गीजर सॉरी गीजर, हमाम, इसका नाम है हमाम। हमाम हमाम, अच्छा। इसके अंदर आग जल रहा है और साइड से पानी गर्म हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है इंस्टेंटली। गाइस यहाँ पे एक नया चीज़ देखने को मिला है जो आपको दिखाऊंगा। आई थिंक कि पहले भी हमने देखा था न्यूज़ वगैरह में, बट अभी सामने से देख रहा हूँ कि देसी जुगाड़, देसी गीज़र कैसा होता है, जिससे कि सर्दियों में लोग पानी गर्म करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था नहीं होती है। बड़ा ही मतलब सिंपल सा और बड़ा बेस्ट जुगाड़ है। अभी आपको दिखाता हूँ कि पानी कैसे गर्म होगा। तो ये रहा पानी, यहाँ देखो माइनस में टेम्परेचर चला जाता है रात को, तो ये पूरा बर्फ़ है। हमने यहाँ से ये बर्फ वाला पानी लिया। चलो मैं इसमें एक बार डालता हूँ पानी, जैसे ये बर्फ है देख लो। ये पूरा का पूरा बर्फ, और इसको यहाँ से हमने इसके अंदर डाला, और ये भर के सामने से गर्म पानी बिल्कुल आ जाएगा। ओके, तो पानी भरा हुआ था, हमने सोचा चलो आपको भी एक बार ये चीज़ दिखाऊं। सो ये है देसी गीज़र। कॉस्टिंग कितनी आती होगी इसका पता नहीं, बट यार जहाँ पे बिजली का अभाव है, जहाँ पे बिजली नहीं है वहाँ के लिए बेस्ट है। तो चलो फिलहाल पानी तो हमारा हो चुका है गर्म, अब चलते हैं हम रूम में। और रूम में चल करके भैया जी नहाना धोना बहुत कुछ करना है अभी। फिलहाल ये देसी जुगाड़ था, और ऊपर से एक बार आपको दिखाता हूँ, ये देखो। A few moments later. Okay, bhai log, all done. We are ready to move. So, आज हम कर रहे हैं वापसी सी दिस वैली, एंड हमने फुलजुंग होम स्टे में स्टे किया था। कोशिश करते हैं बैठने की, एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क है बैठना इस पर। ओके, तो चलते हैं यहाँ से। बाय बाय काजा, सब कुछ ठीक बा? Do you have a moment? In this very second I know you feel the beat. So guys, काजा पंप की एक दिक्कत है, देख रहे हो लाइट चला गया, और हमें वेट करता हुआ आधा घंटा हो गया। तो एक लास्ट ऑप्शन मिला है कि भाई केन था 5-5 लीटर का, ये लेकर के इसमें हम फिल कर लेंगे, और मैनुअल फिलअप करते हैं यहाँ पे 5-5 लीटर। भैया वो दे दो ना, उसी से डालते हैं। हाँ वो रख दो इसमें, हाँ बस बस। और ये कैसे निकलेगा, इसको निकाल दो। हाँ हाँ ऐसे निकलेगा। All right. तो ये चला जाएगा, दिक्कत नहीं, नहीं बढ़ेगा, नहीं कम हो जाएगा। तो ठीक है, 5 लीटर डाल दिया, अब चल जाएगा अपना काम। तो भाई जब ये हालत होती है ना बाइक की, तो बहुत मज़ा आता है। सही में कसम से दिल को तसल्ली मिलता है जब इतनी गंदी चलती है ना बाइक। माय गुडनेस, लगता है कि हम राइडर हैं, मतलब वी फील प्राउड। भाई पीछे अभी इतनी तेज हवा थी ना,
अभी तो ये पहाड़ी की ओर से थोड़ा सा कम हो गया हवा, बट ऊपर में तेज हवा थी, ऐसा लग रहा था इधर से आया हवा और गाड़ी को इस तरफ को धक्का दे रही है बिल्कुल ही, मतलब मुश्किल से 40 के स्पीड में ही चल पा रहा था। अभी भी सेम ही है क्योंकि हवा का झोंका और आप टर्न्स देख सकते हो कि मतलब कितनी शार्प टर्न्स है, तो इसमें थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक हुआ ना तो भाई बाइक सीधे नीचे जाएगी, इसलिए रिस्क नहीं ले सकता, थोड़ा सा स्लो ही चलाने में भलाई है। वैसे तो हम वापस जा रहे हैं बट जब हम आ रहे थे तो शाम हो चुकी थी, तो कुछ पॉइंट्स हमने मिस किया था, तो कोशिश करता हूँ कि आपको वो पॉइंट अभी दिखा पाऊँ। भाई सांदी को भी आज ही आना था, देख रहे हो, बहुत ठीक है, खतरनाक यार। ये रास्ता है पिन वैली का, यहाँ से राइट लोगे तो ये पिन वैली की तरफ चला जाता है और सीधा सीधा हम निकलेंगे सुमदो, और ये देख लो इस तरफ से लोकेशन ऊपर की तरफ, ये वाला जो लोकेशन है ना यार मुझे ना बहुत पसंद आता है, लोकेशन नहीं सॉरी ये वाला जो व्यू है, ये जो माउंटेन है, मुझे ना एक अलग ही लेवल का मतलब क्या कहते हैं उसको, पीस ऑफ माइंड, बहुत ही जो हम बचपन में बुक्स में देखा करते थे ना, हिस्ट्री के बुक्स में ऐसे या ज्योग्राफी के बुक्स में ऐसे वाले लोकेशन आते थे, ऐसे वाले व्यू देखो, ये बिल्कुल नुकीला पहाड़ है और ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर को जा रहा है, देख रहे हो आंधी कितनी तेज़ है यार, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज इतनी तेज़ आंधी होगी, हमारा मोशन टूट जाता है और ये खतरनाक है जैसा कि पहले मैंने आपको बताया भाई, स्लाइड्स स्टोन्स और ये पहाड़ी जो है ना कच्ची पहाड़ी कह सकते हो, मतलब छोटे छोटे पत्थर ऊपर से उड़ उड़ के नीचे ऐसे गोली के जैसे लगते हैं कि पूछो मत। Can you see the vision? Everything in this world will be okay. Can we be together all the way? I know you feel this movement like you. You just be vibing, reaching for something. Ye wala dekh raha hu कितना प्यारा सा लग रहा है ना, ये पानी ऊपर से टपक टपक के नीचे आ रहा है और नीचे आते आते जम रहा है, तो मतलब अलग ही मतलब सीन है इसका, वहाँ भी जमा हुआ है यहाँ भी जमा हुआ है। अगर हम कुंजुम से आगे की तरफ जाते तो ये वाला हमें बहुत मिलता, बट जाता हुआ हमने कैप्चर नहीं किया था, हमें लगा था आगे मिल जाएगा बट आगे मिला नहीं क्योंकि हम कुंजुम से आगे जा ही नहीं पाए। ये बड़ा मतलब क्लास लगता है यार, बेहतरीन। चलो चलते हैं, काफ़ी दूर जाना है, टाइम कम है। यार वापसी में तो ये हमें दिखाई नहीं था रास्ता, शाम हो गया था इसलिए इतना नजर, देखो पत्थर उड़ के आ रहे हैं यहाँ से, देख रहे हो ये ऊपर से, ये हवा में ना इन्हीं का डर होता है बहुत ज़्यादा, एक एक पत्थर उड़ उड़ के नीचे को आते हैं और कब आपको हिट कर जाए कुछ पता ही नहीं लगे, यार बहुत डेंजर है बहुत ये। ओ भाई बहुत खतरनाक यार, बहुत खतरनाक, अभी देखा था आपने एक मोटा सा पत्थर उड़ के आया था, अरे भाई यार और वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस वैली वेरी सून, ये गिरता नहीं बट हवा के कारण ये बहुत तेजी से आ रहा है ऊपर से, माय गॉडनेस यार वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। ओहो हो भाई पहुंच तो जाए यार लेकिन, अरे बाप रे बाप, ओ मैन जी। यार क्या ये, ओहो हो मैन
वाटर। ओहो हो भैया गॉड, दिस इज स्कैरी मैन, बहुत डर लग रहा है मुझे इस रास्ते में। डर पहले से नहीं है बट तेज हवा है ना इसके कारण, आप समझते हो, पत्थर और कच्ची पहाड़ है यहाँ से ना उड़ उड़ के। ओ मैन, देखना जरा नज़ारा और बताना कि कैसा लग रहा है भाई। पता यार इतना डर रहा था पीछे भी, लिटरली मतलब आई वॉज सो स्कैरी एंड ये नज़ारा देखने के बाद में ऐसा लग रहा है ठीक है यार इतना तो चलता है। कितना खूबसूरत सा लग रहा है ना, बट यार बाइक से उतरना ना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, खास करके व्हेन यू हैव अ लोडेड बाइक। तो इसलिए मन तो था कि फ़ोटो खींच लूँ बट चलते हैं ना यार, देखते हैं बस कैप्चर हो रहा है, आप देखते रहो। हमारी तो कभी कभी इतनी फटती है यार। ओए होए यार, ये लोकेशन, दिस इज अल्टीमेट, आई लव दिस प्लेस मैन, हाउ लवली। डू यू हैव अ मोमेंट इन दिस वेरी सेकंड, आई नो यू फील द बीट। जितना भी आ जाओ आप नेचर में, हर बार आपको एक अलग फील मिलेगा, सेम प्लेस बट इन डिफरेंट सीजन यू विल बी गेटिंग डिफरेंट लुक्स, नज़ारे। अभी जिस रास्ते से मैं आया था सेम रास्ते से वापस भी जा रहा हूँ, बट जब हम सामने से आ रहे थे तो हमारा व्यू पॉइंट कुछ और था, और अभी जब जा रहा हूँ तो व्यू पॉइंट कुछ और है, मतलब डिफरेंट ही लग रहा है यार। ये है टैबो ब्रिज, वेलकम टू टैबो, देख रहे हो। Reaching for something within you. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. Nights in California fly, passing homes, yeah, why? By sunset colors. ये लो जी आगे रास्ता बंद पड़ा है, जेसीबी की खुदाई चल रही है यहाँ पे मालिक। या जी ये चल रहा है जेसीबी का खुदाई यहाँ से वहां तक पूरा। मौसम खराब हो गया है और देखो बर्फ दिख रहा होगा यहाँ पे, देख रहे हो लाइव स्नोफॉल चल रहा है। अभी दिखाता हूँ, अभी आ जा बेटा, आ जा। और ये ना बर्फ, पता नहीं कौन से वाली बर्फ है, देखो वाह मैन। अच्छा तो बहुत ही डेंजरस रोड है, शायद ब्लास्ट किया है यहाँ पे लगा करके डायनामाइट। आगे सफाई अभियान चल रहा है। ये होता है बीआरओ वाले, बीआरओ नहीं सॉरी यार, बॉर्डर रोड्स जो होते हैं ना, जो पहाड़ी इलाकों के
तो वहाँ कुछ ना कुछ चलता रहता है जिसके कारण से आपको लेट लतीफ़ का सामना करना पड़ सकता है। और गधे भैया जी चलो जी रियल एडवेंचर एंड ऑफ रोड है हमारा ये। ओ माय गुडनेस, देख रहे हो भाई, मजा आ गया यार।